हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। तो आपको पता है 15 अगस्त आ रहा है, तो 15 अगस्त आ रहा है तो पतंगों की भी तो शॉपिंग होनी चाहिए ना। तो इसीलिए कुछ पतंगें हम खरीद के लाए हैं, उसकी शॉपिंग तो आपको दिखाते हैं क्या क्या पतंगें खरीद के लाए हैं और किस किस रेट की खरीद के लाए हैं, ताकि आप भी जाए और खरीद सके, अपना 15 अगस्त अच्छे से मना सके। हेलो स्टार्ट। तो गाइस, सबसे पहली पतंग आपको दिखा रहे हैं जो कि हमने खरीद दी, ये वाली। ये पतंग आप लोग देख सकते हैं, इसका बहुत ही प्यारा कलर है, बहुत ही प्यारा फर्मा है। इस पतंग को देखो, ये बरेली की अड्डी है, तो इसकी पतंग की क्वालिटी बहुत अच्छी है। और ये पतंग हमें पड़ी है 7 रुपये की। इस पतंग को पास से दिखा सकते हैं आप, कितनी अच्छी क्वालिटी की पतंग है। देखो पास से, पास आके दिखाओ, देख सकते हैं बहुत अच्छे फर्मे की है, बरेली की है, काफ़ी अच्छा काम हुआ पड़ा है। तो ये पतंगें ली हमने 100 पतंगें, 7 रुपये के हिसाब से पतंगें ली हमने। और ये 100 पतंगें हमने ली, ये रखी वो सारी पतंगें दिखाओ यहाँ पे। 100 पतंगें तो हमने ये वाली खरीदी। चलो अब ये बहुत अच्छी बरेली की, बहुत अच्छे से उठते हैं, 400-500 मीटर पे आराम से आप तेज कर सकते हैं। और दूसरी पतंग खरीदी हमने, कुछ फैंसी फैंसी पतंग है, जैसे कि ये वाली। इसको पता नहीं कौन सी पतंग बोलते हैं, और चेक करके बताया। और पतंग तिरंगा नहीं है वैसे ये, लेकिन तिरंगे का लुक दिया गया है। पतंग कैसी है आप ये बताएं, कौन से क्या कौन सी पतंग बोलते हैं। ये पतंग पड़ी हमें 130 रुपये की, 30 रुपये की एक पतंग पड़ी, और हमने दो लिए, दो बहुत है 15 अगस्त उड़ाने के लिए अपने लिए। और दिखाते हैं अभी कुछ पतंगें ली हमने, पौनी की पतंगें। अब पौनी की पतंगें ली, ये आप देख सकते हैं पौनी की पतंगें हैं ये। इसका फर्मा चेक करें, ये पतंग है पौनी की। इसमें और भी डिज़ाइन है, डिज़ाइन दिखाओ यहाँ से, डिज़ाइन दिखाओ इसमें, ये डिज़ाइन दिखाओ। देख सकते हैं ये थोड़ी फट गई हैं, आने जाने में हो जाता है, कोई बात नहीं। देखिए बहुत अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी डिज़ाइन की पतंगें हैं ये। तो ये पौनी की पतंग है, ये हमें पड़ी 11 रुपये की, 11 रुपये की एक पतंग। इसको थोड़ा साइड कर देते हैं। अब दिखाते हैं आपको कुछ अड्डी की और भी पतंगें हैं, जो कि बरेली की हैं। तो अड्डी की पतंगें आप चेक करिए, ये ली थी हमने 5.5 रुपये की। तो एक बार सही से दिखाओ ये पतंगें, इसमें भी बहुत अच्छे अच्छे डिज़ाइन है। और ये पतंगें भी अच्छी उड़ेंगी, काफ़ी अच्छी उड़ेंगी, 15 अगस्त के लिए अच्छी है। ये पतंगें ली हमने 200, तो 200 पतंगें हमने ये वाली ली। इसमें थोड़ी कुछ पौने की, ये पौने की थोड़ी सी और ली थी हमने उसी दुकान से, जो कि हमें पड़ी थी 8 रुपये की। ये भी पौने का ही साइज है, इसका डिज़ाइन चेक करें, इसमें और भी डिज़ाइन है, ये चेक कीजिए कितनी अच्छी, कितना प्यारा डिज़ाइन है। तो कुछ पतंगें पौने की इसमें करवाई थी, इसके बाद इसमें अड्डी की पड़ी है। अभी रुकिए, इसलिए मैं निकाल लेता हूँ, फिर उसके बाद आपको चेक कराते हैं। ये लीजिए, ये हमने पौने की कुछ पतंगें अलग रख दी, ये देखिए इसमें अड्डी पड़ी थी ये वाली। ये कितनी सुंदर अड्डी है, और कितना अच्छा डिज़ाइन है, इसी डिज़ाइन का पौना भी था। और ये उड़ाने के लिए 15 अगस्त के लिए बहुत अच्छी है, बहुत प्यारी पतंग उड़ेंगी। इसमें एक से एक डिज़ाइन है, देख सकते हैं आप लोग, एक से एक डिज़ाइन है, बच्चों को बहुत पसंद आएंगी। तो ये पतंगें हमने 200 ली थी, सब 15 अगस्त के लिए, जितनी पतंग उड़ेगी उड़ेगी, जितनी नहीं उड़ेगी हम बच्चों को बांट देंगे। तो ये बच्चों के लिए लाए थे हम पतंगें, 200 पतंगें, और 200 पतंगें दिखाइए कितनी है कहाँ से। ये सारी तह लगा के रखी हुई है, इसमें प्लेन भी है, सॉलिड कलर ले सॉलिड कलर भी है, जैसी पतंग चाहिए वैसा कलर है इसमें। उसके बाद दिखाते हैं एक और लाए हम, मंजोली की और अद्धी की। उसका भी पैकेट हमने खोला नहीं है, उस पैकेट को खोल के दिखाते हैं आपको उसमें कितनी पतंगें हैं, एक बार चेक करिए। और ये हो रही है ओपनिंग, एक बार पास से दिखाओ ओपनिंग होते हुए। और ये हमें आ रहा है कैची, और ये एस, और ये खुल गई यार हमारी पतंगें हैं, जिसमें देखिए कितनी प्यारी प्यारी सुंदर सुंदर पतंगें हैं। ऊपर से आके दिखाओ, ये अद्धी की पतंग है बरेली की, और इनकी क्वालिटी देखिए शानदार क्वालिटी, 7 रुपये की पतंग ये भी आई है हमें, और एक नंबर क्वालिटी। अगर हम इसका फर्मा चेक करें, नॉर्मल एक फर्मा, ये देखिए और ये देखिए, एक नंबर एकदम शानदार सीधी हवा की पतंग, और बहुत ही अच्छी लड़ाने के लिए होती हैं। तो ये लाए थे हम 200 पतंगें अद्धी, और 200 है इसमें मंजोली। अब इसमें पतंग देखिए, इसमें 400 पतंगें, एक बार सही से दिखाइए पूरा, 400 पतंगें इसके अंदर। मंजोली निकालना मुश्किल है, तो ऐसे निकाल के मैं सेट चेक करवा देता हूँ। ये देखिए, ये है मंजोली की पतंग, ये छोटी है, इससे अद्धी से छोटी होती है। साइज नपवा देता हूँ एक बार आपको मैं, देखिए कितने का फर्क होता है। इधर आओ पास से दिखाओ, ये अद्धी और ये इतने, इतना मतलब कि फिर भी फर्क है 2-2.5 इंच का। और ये पतंगें भी बहुत शानदार होती है बरेली, ये पड़ी थी 5 रुपये की, और इसकी अद्धी पड़ी थी 7 रुपये की। और पतंग की क्वालिटी बहुत ही लाजवाब है, और बहुत सारे डिज़ाइन है इसमें। तो ये पतंगे 400 पतंगे, इस बार देख सकते हैं कितनी गड्ढी है, इतनी पतंग तो हम उड़ा नहीं पाएंगे, लेकिन बच्चों में बांट देंगे हम लोग जितनी पतंगे हैं। तो उसको करते हैं साइड,
ये हम लेके आए हैं इस साल का। इस साल और भी पतंगे खरीदी हमने, दिखाते हैं हम, जैसे कि कुछ बड़ी फैंसी पतंगे खरीदी, उसको भी चेक कराते हैं हम। जैसे कि आप देख सकते हैं ये पतंग देख सकते हैं, 1.5 तवा पतंग, इसमें पूरा ढक चुका हूँ मैं। तो इस पतंग का प्राइस बताइए आप लोग कितना होगा। चलिए मैं ही बता देता हूँ, इस पतंग का प्राइस है आपका 200। 200 में मिली हमें 4 पतंगे, इसमें 4 पतंगे हैं। देखिए 15 अगस्त के लिए बहुत अच्छे 4 पतंगे, और 200 रुपये में हमें 4 पतंग मिली, 50 रुपये की 1 पतंग, और ये बहुत ही अच्छी उड़ती है। और 15 अगस्त के लिए स्पेशल पतंग 1.5 तवा पतंग, और इसी की और भी लाए हैं हम, जिसे कहते हैं तिरंगा। ये भी बहुत लोगों को पसंद होता है तिरंगा उड़ाना 15 अगस्त पे, तो उनके लिए मिली। ये है 8 पतंगे, ये 250 रुपये की मिली हमें 8 पतंगे, यानी एक पतंग अंदाजा लगा लीजिए आप लोग कितने का हो गया, 250 की 8 पतंगे। और इसका साइज चेक करिए एक बार आप, ये 1 तवा पतंग है, 1 तवा ये इसका साइज है, और ये भी बहुत अच्छी है उड़ाने के लिए, और बहुत ही शानदार होती है पतंग। ये भी ये कुछ पतंगे, ये तो हमने इस बार शॉपिंग करी, प्लस आज से 6-7 दिन पहले मैं और भी पतंगे खरीदने गया था, तब मैंने कुछ पतंग और खरीदी थी, वो मैं दिखाता हूँ। थोड़ा सा इधर दिखा दो, आ जाओ। ये कुछ अद्धी खरीद के लाया था ना, ये अद्धी देखो कितनी, ये भी 7-7 रुपये की अद्धी थी, ये सारी खरीद के लाया था ना, इनको भी यूज करनी है। ये भी बहुत सारी पतंगे हैं, और दिखाता हूँ। ये कुछ मोर पतंग है बच्चों के लिए, बच्चे उड़ा लेंगे हमारे घर में, जितने भी बच्चे रहते हैं जो वीडियो बना रही है जो उड़ा लेंगे, ये उनके लिए मोर पतंग है कुछ। ये मोर पतंग पड़ी 5 रुपये की, और वो अद्धी पड़ी 7 रुपये की, और ये बहुत क्रेज होता है बच्चों को कि हेलीकॉप्टर के पतंग उड़ानी है पन्ने की। तो ये पतंग देखिए, ये पतंग है आपकी 7 रुपये की, 7 रुपये की, इतनी अच्छी क्वालिटी की पतंग है। ये हमने खरीदी थी अभी 10-15 दिन पहले, और ये ज़्यादा नहीं 50 खरीदी थी, तो 50 में से कुछ उड़ा दी, यही बची है, और ये बहुत अच्छी उड़ रही है, और बहुत शानदार है लुकिंग देखने के लिए, बहुत मज़ा आ रहा है इसको। अब इसके बाद दिखाते हैं कुछ पन्ने की पतंग है। ये देखिए गाइस, ये है पन्ने के पतंगे, ये पन्ने के पतंगे पड़ी है मेरे को 7 रुपये की, और देखिए इसकी क्वालिटी, इसका साइज, और ये पतंगे हमारे पास 100 पतंगे हैं, तो इसका साइज देखिए, ये बच्चों के लिए बहुत अच्छी उड़ाने के लिए, और हम भी उड़ाते हैं इसे बारिश वारिश आ जाए तो वैसे। और ये भी पतंग बहुत सुंदर उड़ती है, ये भी साथ में खरीद के लाए थे हम लोग, और ये भी 100 पतंगे हैं हमारे पास ना। हो तो एक बार आप इसमें दिखा दीजिए, इधर आके दिखा लो, ये देखो इसमें इसमें पड़ी हुई है सारी पतंगे, 100 पतंगे ये पड़ी हुई है, तो इसको रख देते हैं इसी में। तो ये इस बार इस सीजन के लिए हमने इतनी सारी पतंगे खरीदी हुई, लमसम 700-800 पतंगे होंगी, ज़्यादा ही होंगी, 700-800 से। देख सकते हैं एक बार कैसे पतंगे फैली हुई, यहाँ पे दिखाओ सारी, ये सारी पतंगे ये जो फैली हुई है। प्लस इसके बाद आपको दिखाते हैं कुछ ऐसी पतंग जो हमने पिछले साल की खरीदी हुई है, और जो भी फैंसी पतंग है, वो पतंग ऐसी है जो मतलब कि प्रोफेशनल बंदे उड़ा सकते हैं, उसमें से कुछ पतंग ये रही, और ये हमारा बैग है पतंग का, इसमें खोल के दिखाते हैं आपको, असली असली खजाना इसके अंदर है। इसमें क्या क्या पतंगे हैं, ये वो पतंगे हैं जो, जैसे कि ये पतंग देखिए, ये कुछ पतंगे हैं जिसमें हमने कन्ने बांधे, ये है बरेली की अद्धी, और ये देखिए परमा, 11 रुपये की पतंग ली थी मैंने पिछले साल, 100 पतंगे ली थी, और यही पतंगे उड़ाई है मैंने, देख सकते हैं कितनी प्यारी पतंग है ये, और ये पतंगे बहुत उड़ाई और बहुत अच्छा चलती है, मैंने कन्ने बांध के रखे हुए, अभी भी मैं यही उड़ा रहा हूँ। ये 11 रुपये की एक ये पतंग अद्धी की, जीके काइट मेरक, ये पतंग चेक करें आप, इसका स्टैम्प चेक करें, और ये पतंग चेक करें, ये पतंग है आपकी 17 रुपये की, और ये भी पतंग बहुत शानदार उड़ती है, बहुत शानदार पेज काटती है। ये भी पतंग की हमारे पास बहुत सारी पतंगें पड़ी हुई है, हमने कन्ने बांध के रखे हुए हैं अभी उड़ाने के लिए, क्योंकि ये पतंगें आजकल हम उड़ा रहे हैं। अब बैग खोलते हैं, बैग में दिखाते हैं आपको क्या क्या है। भाई ये पास आइए, इसका चैन भी मिल रहा है मुझे, मिल गया, बहुत दिन से हमने ये बैग खोला नहीं है, असली खजाना इसके अंदर भी है, तो वो दिखाते हैं अभी आपको। ये देखिए गाइस, ये है पतंग है कुछ, चील का एक पतंग है, ये देखिए, ये मेरा अपना पर्सनल है जिससे मैं बहुत अच्छे से उड़ाता हूँ, और इन्हीं पतंग उड़ाता हूँ, ये है चील काइट पतंग, और ये पतंग हमारी 116 रुपये की है चील काइट, और ये भी बहुत शानदार उड़ती है, इसका शेप देखिए आप, जैसे चील काइट पतंग बोलते हैं। और ये हमारे पास 50 पतंगें पड़ी हुई है अभी चील काइट की, इसमें प्लेन डिजाइन मिलेंगे ज़्यादातर, एक ज़्यादा डिजाइन मिलेगा तो ये डिजाइन मिल जाएगा इसमें, बाकी इसमें ज़्यादातर प्लेन डिजाइन बनते हैं। और ये पतंगें 50 से थोड़ी ज़्यादा हैं हमारे पास, ये उड़ाने के लिए रखी हुई है, पिछले साल की हैं ये,
ये बच गई थी इतनी पतंगे, तो ये अभी हम उड़ाते हैं इसको लोकल में। ये बहुत शानदार बढ़ती है पतंग। और ये देखिए, ये असली है जीके काइट की, नहीं ये रियाज। इधर आओ, पास दिखाओ, रियाज भाई घंटे वाली गली। ये पतंग चेक करिए आप, बहुत प्यारी बहुत शानदार पतंग है। ये भी असली की पतंग है, 17 रुपये की पतंग थी ये, मैंने ली थी जब, मेरठ की पतंग है और बहुत शानदार होती है। ये भी हमारे पास अभी 100-200 पतंगें पड़ी हुई हैं जो कि अभी हमें उड़ानी है। देख सकते हैं आप कितनी प्यारी पतंग है। एक एक कच्चा, ये फिर से आ गई जीके काइट की, दिखाओ स्टैंड दिखाओ, जीके काइट की पतंग है ये भी। ये भी 17 रुपये की है और ये बहुत शानदार उड़ती है, बहुत शानदार पीस काटती है पतंग की, बहुत लंबी करके आप लड़ा सकते हैं, अच्छे से उड़ा सकते हैं। देखिए ये भी एक और निकला बच्चा, ये थोड़े यहाँ पे केमिकल वगैरह डाला हुआ है तो इस वजह से ये ऐसा दिख रहा है केमिकल की वजह से, ताकि दीमक वीमक ना लगे, पतंगों की लाइफ अच्छी रहती है। ये पतंगें निकलती जा रही है, देखिए तो ये निकली पतंगें, 50 से ज़्यादा हैं अभी, बाकी और भी रखी हुई हैं जो मिक्स है। और ये पतंगें हैं आपकी अब्दुल रेहान करके है मुरादाबाद, दिखाई बस स्टैंप दिखाओ, फिश का स्टैंप लगा हुआ है। और ये अद्धी है, ये अद्धी हमें पड़ी थी 11 रुपये की, और अद्धी का साइज़ देखिए आप, कितना बड़ा साइज़ है, मेरे फेस से बिल्कुल छुप रहा है। और ये पतंग भी बहुत शानदार उड़ने के लिए हमने पर्सनल अपने लिए बचा के रखी हुई है कि 15 अगस्त को उड़ेंगे। इसमें ये डिज़ाइन है प्लस मुद्देदार है, गोला है प्लस मुद्देदार का डिज़ाइन है नीले कलर पे, बहुत ही शानदार, लोगों की फेवरेट डिज़ाइन होता है लोगों का ये। और ये पतंग बहुत ही शानदार उड़ रही है, एक इशारे पे चलने वाली पतंग है। और भी है यहाँ पे, देखिए ये रही, ये रही, ये देख सकते हैं आप, ये भी मुठ्ठेदार की, पूरा कलेक्शन है मुठ्ठेदार का। जितनी पतंगें देखे उतनी कम है, पतंग ही पतंग, कितनी ही पतंगें हैं देखिए, क्या पतंग, सारी पतंग एक ही किसारे पे चलने वाली पतंगें हैं। फिर आइए यहाँ पे कुछ पतंगें ये दिखाते हैं। ये है मंसूरी पतंग साज, नाम से ही पता होगा आपको, मंसूरी पतंग साज, क्या ही पतंग बनाते हैं ये और क्या ही फरमाइन है। ये पतंग इनकी पतंग दिखाई थी मैंने अभी, जो पतंगें उड़ा रहे हैं अभी थोड़ी बहुत, गोल फरमे की पतंग है और बहुत ही प्यारी पतंग, उड़ने के लिए बहुत ही शानदार है। एक एक चौक एक पतंग में 12-12 का सेट लगा रखा हमने और यही पतंग उड़ा रहे हैं। इसके बाद दिखाते हैं आपको एसके काइट मुरादाबाद, ये पतंग दिखाओ, ये भी बहुत शानदार पतंग है। ये पतंग का आप साइज़ देखिए, अद्धी की पतंग है और बहुत ही सारे पे चलती है टूर्नामेंट। ये जितनी पतंगें दिखाई टूर्नामेंट का एक पतंग है ये सारी, तो हम तो टूर्नामेंट के लिए नहीं जाते हैं लेकिन फिर भी हमारे पास कलेक्शन रखता है, पतंगों का शौक है तो इतना कलेक्शन हमने रखा हुआ है अपने पास, कभी भी अपने छत से उड़ाने के लिए बहुत अच्छा होता है। आप कुछ दिखाते हैं आपको चड़की, चड़की तो अभी हमारे पास है नहीं प्लस, फिर भी थोड़ी वो 2-4 बड़ी है जो हम उड़ाते हैं वो दिखाते हैं आपको। ये हमारे पास NRK के डोर की है, वैसे तो कुछ खास नहीं है लेकिन फिर भी पेच बहुत अच्छा काटती है। देखो पास से आके दिखाओ इसकी डोर, क्या ही डोर है बिल्कुल, अगर आप आ रही हो कैमरे में तो आप ध्यान देना। और ये दिखाओ इस पर कितनी बारीकी से काम हुआ पड़ा है इस पर, और काफ़ी अच्छा चलता है ये, तो इसको उड़ा रहे हैं। एक चरखरी खुली हुई है हमारी भी, छत पे रखी हुई है तो छत पे जाना पड़ेगा, खुली चढ़ी है इसी को उड़ा रहे हैं अभी हम। और एक ये पांडा का हमारे पास, ये भी फ्रेश है अभी, इसको भी अभी निकाला नहीं हमने, इसकी एक बार डोर दिखाओ, ये पांडा 5 है और इसमें देखो कितने प्यार 9 तार का मांझा, कितने प्यारे से काम किए। ये भी 3 रील की चरखी है और बहुत अच्छा चल रही है। और एक ये दिखाते हैं, ये सबसे फास्ट और शार्प मांझा है इसका, बहुत ही कम यूज, ये भी पांडा के ऊपर है और बहुत ही प्यारा है। इनके ये भाई हैं हमारे, नाम नहीं पढ़ा लिखा, अली नबी करके नाम है, अदनान अली, अदनान अली का डोर है। अदनान अली का तो आपको नाम से ही पता होगा कि कितने बड़े कारीगर हैं ये। और इनकी डोर देखिए एक बार आप, अगर आप देख सकें दिख पा रही होगी तो इस पर देखिए, टाइल पर रख के दिखा दो, कितनी प्यारी डोर है। और इसमें देखो कितनी बार आके इसे कांच चमक रहा है, अगर आपको कैमरे में दिख पा रहा होगा तो कांच दिख जाएगा कितना अच्छा चमक रहा है। तो यही कुछ डोर है, बाकी कुछ डोर ऊपर है जो कि हम उड़ा रहे हैं तो वो अभी ऊपर रखी हुई हैं। तो बाकी एक बार पूरा घुमा दो, हमने कितनी पतंगें निकाली, क्या क्या है इधर, मुझे यहाँ से दिखा दो कितनी सारी पतंगें थी हमारे पास, कितनी पास से आके दिखाओ, थोड़ा पता चलेगा कितनी कितनी गड्डी रखी हुई है यहाँ पे। एक दो पतंगें मर जाना, कितनी भी लेके 1500 पतंगों के आसपास होंगी ये सारी मिला के इधर जोड़ देना। ठीक है तो गाइज यही था हमारा पतंगों का कलेक्शन, बाकी आप लोग भी अच्छे से 15 अगस्त उड़ाए, चाइनीज मांझे का यूज ना करें क्योंकि चाइनीज मांझा बैन है, उससे बहुत ही नुकसान हो रहा है। तो किसी भी कुछ उसमें चाइनीज मांझे को बिल्कुल भी यूज ना किया जाए, जो भी उड़ाए धागे कॉटन के मांझे से उड़ाए, हम भी कॉटन के मांझे से उड़ाते हैं
बाकी आपका 15 अगस्त से शुभ हो और अच्छे से हो। बाकी 15 अगस्त की वीडियो हम डाल देंगे, उसको आप लोग देख लेना। चलो थैंक यू।